Hey guys, I'm hoping that you will be fine. आज का जो मेरा टॉपिक है दैट इज़ रिलेटेड टू सिंगल इनहेरिटेंस. सिंगल इनहेरिटेंस बेसिकली एक टाइप ऑफ इनहेरिटेंस है जिसमें क्या होता है कि आप एक पेरेंट क्लास होते हैं और एक चाइल्ड क्लास होती है. चाइल्ड क्लास के अंदर आप सारे के सारे पेरेंट क्लास के एट्रीब्यूट्स और प्रॉपर्टीज एक्सेस कर रहे होते हो. तो आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि ये तो सिंपल वही इनहेरिटेंस जो हम पिछले वीडियोज़ के अंदर कवर करके हैं, जो कि जावा ट्यूटोरियल वाली प्लेलिस्ट के अंदर मैंने पीछे आपको बताई नहीं है. तो सेम ही होता है, बट यहाँ पर मैं क्योंकि टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस के ऊपर सेपरेटली वीडियोस बनाई थी, तो यहाँ पर मैं एक डिफरेंट एग्जांपल के जरिए थोड़ा डिफरेंट एंगल से समझा दूंगी. बट बेसिक सिंगल इनहेरिटेंस वही है जो कि मैंने आपको पीछे वाली सारी सारी इनहेरिटेंस वाली वीडियोस में बताई हुई है. आगे और टाइप्स भी आएंगी तो उसमें थोड़ा डिफर होता है क्योंकि इनहेरिटेंस की डिफरेंट टाइप्स होती हैं. तो होता है कि आपके पास एक बेस क्लास होती है और एक उसकी डिराइव क्लास होती है. डिराइव क्लास के अंदर आप सारी की सारी बेस क्लास की प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस कर रहे होते हो, ठीक है. तो इसमें क्या होता है, यहाँ पर एक मैं डिफरेंट एग्जांपल बना लेती हूँ कि एक मैं क्लास बनाती हूँ एनिमल के नाम से एक क्लास बनाई जिसके अंदर एक इसका एट्रीब्यूट है वॉइड ईट, क्योंकि सारे एनिमल्स खाते हैं. तो एक जनरल फंक्शन बना लेते हैं कि एनिमल ईट्स, जिसके अंदर मैं सिंपल प्रिंट स्टेटमेंट दे देती हूँ. सॉरी, एनिमल ईट्स, दैट्स इट. ये एक बन गया. अब एक आप डिराइव क्लास बना रहे हो, क्लास डॉग की एक डिराइव क्लास बना लेते हो क्योंकि दैट्स एन एनिमल. अब आप कैसे इनहेरिटेंस शो करोगे, सिंपल एक्सटेंड का कीवर्ड यूज़ करोगे एंड देन आप लिखोगे अपनी पेरेंट क्लास का नाम. हेयर इट इज़ डन. एंड यहाँ पर आप इसका एक एट्रीब्यूट बना लेते हो बार्क, क्योंकि सिर्फ डॉग्स बार्क करते हैं. तो हम लिख लेते हैं कि यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट एक मैं दे देती हूँ, डॉग्स बार्क, दैट्स इट, डन. अब क्या होता है कि आपके पास एक पेरेंट क्लास और एक चाइल्ड क्लास, एक एनिमल की क्लास है, एक डॉग की क्लास है. आप डॉग की क्लास का अगर कोई ऑब्जेक्ट बनाओगे तो आप इसके अपने फीचर्स तो एक्सेस कर ही रहे हो, बट उसके साथ साथ आप एनिमल वाली इस क्लास के फीचर्स भी एक्सेस कर सकते हो. क्यों एक्सेस कर सकते हो? द रीज़न इज़ के आपके पास डॉग, कोई भी आप डी बना दो, डॉग का जो भी नाम है, मुझे डॉग्स के नाम नहीं पता, कोई भी रख लो. आप ऑब्जेक्ट बना रहे हो, सिंपल न्यू एंड डॉग, सॉरी हियर इट इज़ डॉग, डन. एंड अब आप डी के थ्रू आप बार्क वाले फीचर्स तो एक्सेस कर ही रहे हो, डॉग बार्क वाला फंक्शन तो हो गया, साथ ही साथ आप डी के थ्रू आप ईट को भी एक्सेस कर पा रहे हो, ठीक है. आपको कोई एरर नहीं आया, रन करके देख लेते हैं कि कोई एरर आ रहा है या नहीं. डॉग्स बार्क एंड एनिमल ईट्स, दोनों के दोनों फंक्शन एक्सेस हो गए. ये था हमारा सिंगल इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट. आगे वीडियोज़ के अंदर मल्टी इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस एंड देन आपके पास हायरार्किकल इनहेरिटेंस, हाइब्रिड इनहेरिटेंस, काफ़ी टाइप्स हैं जो कि सारी आ रही होंगी. पैकेजेस का कॉन्सेप्ट आ रहा होगा. तो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि आपके पास डेली के नोटिफिकेशन आ जाएं कि हम जैसे जैसे वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, आप वैसे वैसे सारे के सारे न्यू टॉपिक्स को, न्यू कॉन्सेप्ट्स को लर्न कर सको, आपकी कोड की रिवीजन भी होती रहे. एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो. एंड जावा ट्यूटोरियल वाली प्लेलिस्ट को नहीं किया, और अगर हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो मैं सारी की सारी वीडियोस पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ. तो आपने जावा ट्यूटोरियल वाली प्लेलिस्ट को देख लेना, वहाँ पर आपके पास वीडियोस सीक्वेंस में आ रही होंगी. या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के नाम से भी एक प्लेलिस्ट बनी है जिसके अंदर भी आपको सेम वीडियोस मिल रही होंगी. आपको सिर्फ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कॉन्सेप्ट्स वहाँ पे मिल रहे होंगे. अगर आपको सिर्फ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कॉन्सेप्ट्स देखने हैं तो आप उस प्लेलिस्ट को देखो, नहीं तो जावा ट्यूटोरियल वाली प्लेलिस्ट को देख सकते हो जिसमें बेसिक जावा से लेकर एंड तक सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स हैं. तो होप्स आपको समझ आ गया होगा. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.